This was the best episode of My Hero Academia Season 7 क्योंकि इस एपिसोड में जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वोन्स बालों ने वैसा ही हम लोगों को डिलीवर किया. आई मीन मांगा का बहुत ही एक ट्रॉमेटिक इवेंट जो था बाकुगो का डेथ, वो हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बोन्स वालों ने दिखाया. और दोस्तों मैं अब बोल सकता हूँ कि माई हीरो एकेडमिया इज बैक. इट्स रियली फकिंग बैक क्योंकि ये जो एपिसोड था ये फुल्ली फोकस था बाकुगो, शिगराकी और बिग थ्री. तो बिग थ्री का मतलब वहां पर वो ट्रियो है और उन ट्रियो का जो हम लोगों को फाइट दिखाया गया शिगराकी के अगेंस्ट वो भी हम लोगों को इस एपिसोड में सबसे अच्छा लगा. और दोस्तों जो मेरा कंप्लेन था माई हीरो एकेडमिया को लेके कि इसका जो एनिमेशन है ये ऑन पॉइंट नहीं हो रहा है, बहुत सारा CGI यूज हो रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, लेकिन ये एपिसोड प्रूव करता है कि मैं माई हीरो एकेडमिया को क्यों पसंद करता हूँ इसके इमोशंस के जरिए. क्योंकि माई हीरो एकेडमी जब मैंने देखना चालू किया था तब मेरे को माई हीरो एकेडमी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट किया था. और ये वाला एपिसोड था, ये जो पर्टिकुलर एपिसोड था, एंडिंग में मेरे को थोड़ा सा रोना आया क्योंकि उस सीन में जैसा उन लोगों ने म्यूज़िक यूज़ किया और जैसा उन लोगों ने एनिमेशन यूज़ किया वो लिटरली बहुत ही अच्छा था. और दोस्तों थ्रू आउट द एपिसोड जो हम लोगों को एनिमेशन दिखाया गया, शिगराकी को देख लो यार, बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है. और बाकुगो अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रहा था लेकिन फिर भी शिगराकी का वो एक बाल भी वाका नहीं कर पाया था. और यहाँ पे बाकुगो ये सोचता है कि क्या मैं डेकू से इतना पीछे हूँ. आप लोगों को भी पता है कि डेकू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास वन फॉर ऑल है, उसके पास सारे यूजर्स का पावर है, लेकिन बाकुगो के पास ऐसा कुछ भी नहीं है. उसके पास सिर्फ अपना डायनामाइट, जो अपना जो फायर पावर है वही है. और उसने उस पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज किया और फिर भी वो शिगराकी को हरा नहीं पाया. और इसके बाद लिमिनियर मतलब मिरियो का पावर भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है. और सबसे जो बेस्ट मोमेंट था वो था ट्रियो वाला अटैक, जहाँ पे हम लोगों को उन ट्रियो का बैक स्टोरी दिखाया गया, कैसे वो लोग मिले. और उसके बाद जो प्लाज्मा कैनन वाला सीन था वहां पे एनिमेशन देख लो यार, बहुत ही फाड़ था. और वहां पे मिरियो आके ऐसे अपने पावर का यूज करके शिगराकी को जो पंच मारा ना वो लिटरली वर्थ इट था. लेकिन उसके बाद भी शिगराकी को कुछ भी नहीं हुआ. और सब लोग मतलब आप में से बहुत सारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके होंगे कि बाकुगो के साथ क्या हुआ. उसके बाद जो बाकुगो हार चुका था वो फिर से खड़ा हुआ और उसको फिर से खड़ा होकर ये बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ कैचअप कर सकता हूँ इज़ुकू. ये है कैरेक्टर डेवलपमेंट. तो आप लोगों को ही पता है कि बचपन से बाकुगो जो है वो डेकू को एज डेकू बोलता है, लेकिन यहाँ पे उसने इज़ुकू बोला. और यहाँ पे जो हम लोगों को थ्रू आउट द एपिसोड बाकुगो का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला है वो बहुत ही अच्छा. और इसके बाद बाकुगो का जो फाइट शुरू होता है वो ऐसे टेलीपोर्ट होके शिगराकी के मुंह के सामने ऐसे फटता है, लिटरली वो वाला सीन देखने लायक था. और दोस्तों आप लोगों को ये भी देख के बहुत ज़्यादा खुश होगा कि बाकुगो जैसा दिखता है वैसा है नहीं. एंडिंग में हम लोगों को ये दिखाया गया था कि जब बाकुगो मरने वाला होता है तब उसके सामने ऑल माइट ऐसे आता है और वो ये बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, एज अ फैन मुझे तुम्हारा सिर्फ ऑटोग्राफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए ऑल माइट. और उसके बाद शिगराकी बाकुगो को हरा देता है. और एंडिंग में जो हम लोग को शॉर्ट दिखाया गया वहां पे हम लोग को ऐसा ही दिखाया गया कि बाकुगो अभी मर चुका है. दोस्तों माई हीरो एकेडमिया का जो ये एपिसोड था ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था. एंडिंग में आप सभी लोगों को इमोशनल कर दिया होगा क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से ये वाला एपिसोड हिट करता है. और इसके आगे आने वाले एपिसोड में अगर हम लोगों को ये सेम एनिमेशन कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है तो बहुत ही फाड़ सीजन होगा और सीजन 7 हो जाएगा माय हीरो एकेडमिया का बेस्ट सीजन. दोस्तों ये वाला एपिसोड मेरे हिसाब से 10 out of 10 था. आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा. आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे एनिमे कंटेंट ला सकूं. दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक. तब तक के लिए जय हिंद.